हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और ये दोस्तों मुद्दा जो है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर है। दोस्तों, आपको पता है 18 महीने का डीए एरियर कोरोना काल से ही जो है इसके ऊपर तमाम तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। जब फ्रीज किया गया था तभी भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लेटर गया था कि जो है ये जो महंगाई भत्ता है इसी के सहारे जो है केंद्रीय कर्मचारियों का जो है जो भी पेंशन जो भी सैलरी उसमें बढ़ोतरी होती है। तो उस टाइम से जो है 18 महीने का डीए एरियर रोका, उसके बाद से इसको बहाल भी कर दिया गया था। लेकिन आज दोस्तों हम लोग 2024 में बैठे हैं, और 2024 में हम बात कर रहे हैं कि अभी 18 महीने के डीए एरियर का क्या स्टेटस है। 18 महीने के जो डीए एरियर है उस पर जो है आज की डेट में आर्थिक स्थिति, कोरोना को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, जो भी नुकसान था उसका जो है इतने टाइम में जो है भरपाई भी हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उस टाइम पे जो है केंद्रीय कर्मचारियों ने पूरा सरकार का सपोर्ट किया था। तो अब जो है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर, और यहाँ पे दोस्तों श्री जावेद अली खान का एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव है, जहाँ पे उन्होंने जो है एक लेटर जारी किया और ये एक सीधे सरकार से क्वेश्चन पूछा है कि 18 महीने के डीए एरियर पे अब सरकार का क्या स्टैंड है, अब सरकार जो है 18 महीने के डीए एरियर पे क्या करे। दोस्तों, ये कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी किया जाना चाहिए। तो अब जो है इसमें साफ साफ लिखा है कि इसको अब जारी किया जाना चाहिए। और यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 18 महीने का डीए एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा जो केंद्रीय कर्मचारियों का। तो बात करते हैं दोस्तों इस लेटर के बारे में कि इस लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों देखिए, आप पॉइंटेड क्वेश्चन क्या क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और पॉइंटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके बीच में लॉजिक है। क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, क्योंकि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी नहीं थे उसमें पेंशन भोगी भी थे, उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते राहत को जारी करने के लिए पहली बात है कि सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि नहीं। अगर हाँ तो उसका डिटेल्स दें कि अगर आप विचार कर रहे हैं तो किस तरह का विचार कर रहे हैं, देने का कर रहे हैं कि नहीं देने का कर रहे हैं। यदि नहीं तो इससे जारी ना करने का, वही जो हमने बात की कि उन्होंने बड़े पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे कि भाई नहीं है तो कारण भी बताइए, क्योंकि उस टाइम पे जो कारण था वो यही था कि उस समय फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, उस समय जो है महामारी चल रहा था, प्रकोप चल रहा था, तो उस टाइम पे जो है रोकना ज़रूरी था क्योंकि वो पैसे जो है कोरोना के लिए यूज़ किए गए थे। और वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में मैं प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा किया और उन क्या क्या कार्रवाई की गई है, मतलब इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो रोका गया था रोकना तो ठीक है, लेकिन अब उसके बाद से क्या कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इसको वापस देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसमें जो है सरकार का जो जवाब है वो आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हो गए और पेंशन भोगी हो गए, इनका जो महंगाई भत्ता या महंगाई राहत मिलती है, जो उनके तीन किश्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ था के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। दोस्तों ये जो भी इन्फॉर्मेशन है बहुत सरकार की तरफ से, ये कोई मीडिया रिपोर्ट की तरफ से नहीं है, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस टाइम पे जो 18 महीने के डी एरियर को लेकर क्या स्टैंड है। वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परिषद सहित सरकारी कर्मचारियों के संघ की ओर से कई अभियान, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही है सरकार की तरफ से, और ये जो है जो बीमारी था जो महामारी थी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा दिए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद, अब जो दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो ये कहा जा रहा है कि 2020-21 तो ठीक था जहाँ पे लॉस हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके बाद भी घाटा होता रहा है, इसलिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत के बकाए
को व्यवहार्य नहीं समझा गया। तो इसलिए अभी तक भी जो है लॉस चल रहा है, वो जो क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए इसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं की गई। तो इसका मतलब दोस्तों सीधी सीधी सी बात है कि इसमें एक पॉजिटिव अपडेट ये भी है कि अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं देने वाले हैं, उसमें ये कहा गया है कि 2020-21 के बाद भी जो है, मेन तो ये था कि घाटा ना हो, लेकिन अभी भी वो घाटा चल रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर अभी तक कोई व्यवहार नहीं समझा गया। इसमें साफ साफ लिखा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन ठीक बनती है तो उस केस में जो है आपको इसका जो है बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 18 महीने के डीए एरियर को लेकर जो है अब पूरी की पूरी जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी आई हुई है, जहाँ पे उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि जितने भी आप लेटर भेज रहे थे वो हमें मिल रहे थे, और उसके बेसिस पे जो मेन कारण ये है कि वित्तीय लॉस अभी भी जारी है, उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया, लेकिन अगर मिलता है तो उस केस में कहीं ना कहीं ऑप्शन है कि विचार किया जा सकता है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।